नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे सी2 चैनल में। और आज हम जानेंगे कि रूबिक क्यूब का सेकंड लेयर कैसे बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट लेयर सॉल्व है, पूरा ब्लू पूरा सॉल्व है, इधर से पूरा ग्रीन ग्रीन इधर सॉल्व है, और ये सबका सेंटर मैच कर रहा देगा, सबसे ऑरेंज ऑरेंज, वाइट वाइट, ग्रीन ग्रीन। तो हम सेकेंड लेयर सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड लेयर सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये लेयर जो है, मतलब सबसे ईजी होता है। बस इसके लिए बस दो फार्मूला अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर राइट यू आर यू डैश आर डैश, फॉर लेफ्ट यू एल यू डैश एल डैश यू एल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन है, एक साइड येलो एक साइड ग्रीन। तो हमको यहाँ पे येलो और ग्रीन लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। तो हमको अगर इसको और यहाँ लगा लेंगे तो मेरा सेकंड लेयर का कुछ कुछ बनना चालू हो जाएगा। तो इसको और लेफ़्ट साइड में लगाने के लिए एक फार्मूला, ये लेफ्ट वाला फार्मूला यू डैश एल डैश यू एल। तो इसको लेफ्ट में लगाने के लिए यू डैश एल डैश यू एल। और ये जो मेरा नीचे का जो बेस था, इसको ये बिगड़ गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बिगड़े ना। तो इसके लिए एक टर्न ऐसे लेंगे, फिर एक टर्न ऐसे लेंगे, फिर एक टर्न ऐसे ले लेंगे। अब वो जो अपने सही जगह बैठ गया, ये देखिए येलो और ग्रीन अपने सही जगह बैठ गया है। अब दूसरा खोजना पड़ेगा हमको। जैसे कि ये येलो है, ये ऑरेंज है। तो जैसे कि ये देखिए, ये येलो है और ये ऑरेंज है। इसको अगर यहाँ ले आएंगे तो मेरा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको राइट में लाने का, ये वो लेफ्ट पिछले बार तो लेफ्ट में ले गए थे, इस बार राइट में लाएंगे। तो इसके लिए राइट का अलग फार्मूला, फॉर राइट यू आर यू डैश आर डैश। तो यू पहले येलो वाले पहले मैच करा लेंगे ऐसे सामने में, यू आर यू डैश आर डैश। और नीचे का बेस सही करने के लिए एक टर्न ऐसे लेंगे सामने से, फिर एक टर्न ये ले लेंगे, फिर एक टर्न ये ले लेंगे। अब देखिए वो अपने सही जगह बैठ गया, देखिए येलो ऑरेंज अपने सही जगह बैठ गया। और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कि देखिए ये ग्रीन है, ये वाइट है, लेकिन कभी कभी जो पीस होता है ऐसे लग जाता है कि वाइट और ग्रीन की तरफ से। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मान लीजिए जब जब ये राइट हैंड में ऐसे लगेगा तब राइट वाला फार्मूला लगाएंगे, वही वाला फार्मूला, और जब लेफ्ट में लगेगा तो लेफ्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इस पर राइट में लगा है तो राइट वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको पहले यहाँ लाएंगे ऊपर में, ये राइट वाला फार्मूला लगाएंगे, यू आर यू डैश आर डैश। फिर वापस मेरा जो नीचे का बेस बिगड़ेगा सही कर लेंगे इसको। तो वो अपने जगह से हट गया होगा, हमको देखना। जैसे कि देखिए ये वाला, ये ग्रीन जो यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो वापस इसको यहाँ लाने के लिए वापस राइट का फार्मूला लगाएंगे। ये पहले वाइट वाइट पूरा मैच कराएगा सामने से, तो यू आर यू डैश आर डैश। और वापस नीचे का जो बेस बिगड़ गया सही कर लेंगे इसको। अब देखिए वो अपने सही जगह बैठ गया। अब ये आखिर का यही केस लेफ्ट साइड में अगर हो जाए तब कैसे करेंगे, वही लेफ्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, यू डैश एल डैश यू एल। तो देखिए यू डैश एल डैश यू एल। और वापस जो नीचे का बेस बिगड़ गया है, अब देखिए वो अपने जगह से हट गया होगा, वहाँ से जो हटाया उसको अब खोजना पड़ेगा। ये देखिए वाइट और ऑरेंज हमको लाना है इसको, यहाँ पे वाइट और ऑरेंज को। तो ये लेफ्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, यू डैश एल डैश यू एल। अब वापस जो नीचे का बेस बिगड़ गया सही कर लेंगे इसको। अब हम देखेंगे कि हमारा सेकंड लेयर पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए येलो येलो पूरा दो लेयर कंप्लीट हो गया, ऑरेंज ऑरेंज, वाइट वाइट, ग्रीन ग्रीन, और नीचे का जो पूरा बेस था वो कंप्लीट हो गया।